आरती टाक की मौत के बाद श्याम जगत में दुख की लहर है, पर आपको बताएंगे आज आरती टाक की मौत का कारण कौन था, क्या थी आरती टाक की मौत की वजह। उससे पहले आरती टाक के पिछले 10 वर्ष के विषय में हम बात कर लेते हैं। श्याम दीवानी भक्त आरती टांग की रिंगस से खाटू निशान पदयात्रा के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरती की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही श्याम जगत में शोक की लहर छा गई। अब कहते पुणात्माओं के राहत की बजाय औषधि रिएक्शन करेगी। जब उल्टे दिन लग गए ना बिना भक्ति वाले प्राणी की, जो भक्ति गलत करता है, शास्त्रीयता का मनमाना जो आचरण करते है, उनकी ऐसी दशा होती है। दास का उद्देश्य ये सारा कुछ दिखाकर ये कहने का है कि जो साधना इस दास के पास है, वो जिन महापुरुषों ने ये साधना की उन पर कोई आपत्ति नहीं आई आज तक, और वो साधना आप भी करो, इन अज्ञानियों को छोड़ दो, आपका भला होगा। और दास का कोई स्वार्थ नहीं, इनकी कोई मान हानि नहीं करना, आपकी जीवन रक्षा करना उद्देश्य है। आप आंखें देखो, समझो और फिर इस ज्ञान को ग्रहण करो जो वेदोक्त है। आरती टाका के साथ जो घटना घटी है, इसका मुख्य कारण है आरती को मिला अधूरा भक्ति मार्ग, जिसके कारण आरती की आज एक दर्दनाक मौत हुई है, अकाल मौत हुई है। दोस्तों, इसमें गलती आरती टाका की नहीं है, इसमें गलती उन धर्म गुरु की है जो आरती को यह कहकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ कर रहे थे कि खाटू श्याम ही भगवान है, यही ही पूर्ण परमेश्वर है। इसी कारण आज आरती टाका उस भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसको यही नहीं पता कि जो भक्ति वो कर रही है क्या वो शास्त्र से प्रमाणित साधना है या नहीं। और जो साधना आरती टाका कर रही थी उसका न तो गीता में प्रमाण मिलता है और न वेदों में उसका प्रमाण मिलता है। दोस्तों, खाटू श्याम एक महापुरुष के रूप में हम उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं को भगवान मानकर पूजा करना ये हमारी महामूर्खता होगी। क्योंकि दोस्तों, खाटू श्याम श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, जबकि श्री कृष्ण भी जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, ऐसा प्रमाण हमें गीताजी में देखने को मिलता है। हम अगर खाटू श्याम को भगवान मानते हैं और अपनी मनोकामना लेकर उसके पास जाते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि आरती टाका शास्त्र विधि को त्याग कर भक्ति कर रही थी, इसी कारण आज भगवान का सहारा आरती को नहीं मिला। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर शास्त्र के अनुसार पूजा कौन बता रहा है, पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है, और भगवान कौन है, भगवान की पाने की विधि क्या है, वेदों के अनुसार भक्ति मार्ग क्या है। आज इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे कि आखिर कौन सी भक्ति करें जिससे हमें हमारी ऐसी अकाल मृत्यु नहीं हो और हमें वो लाभ मिले जो एक भगवान देता है। तो ये आपको पहले बताते हैं कि वेदों के अनुसार भक्ति मार्ग कौन बता रहा है, पूर्ण गुरु की क्या पहचान है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी, पहले चित्र देखिए। ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणाली। प्रणाली माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणाली ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। वेद माने जानना भी होता है और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़ और अध माने नीचे को शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अव्यम यह संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते प्रणानी, इसके पत्ते ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और यह तम वेद, इन सब को जो जानता है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।
इनका पढ़िएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहाँ लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधम शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला, यु ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले गलत करके है, क्योंकि देखो श्लोक नंबर 2 में 2 बार अध शब्द है, अध अध, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखे है। देख अध माने नीचे, अध माने नीचे, अरे यहाँ भूल गए, यहाँ कर गए कल्याण वाला, यहाँ लिखना था नीचे शाखम कति सीधा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे, ये देखा कल इनकी छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि, और इन सब को इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने ध्यान ना दिया था इसकी ओर, स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वह कौन है, किसने बताया ये ज्ञान, कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था, बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डड़े डोते ने, जब परमात्मा में ले थे और सतलोक दिखा कर वापस छोड़ा था, अपनी सतीथी से परिचित करा कर जब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंस, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, परमात्मा ने बताया था अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते हैं, कहा जाता है, ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का, और इसे एक मोटी डार निकली है वो सर पुरुष है, ये अक्षर पुरुष, ये सर पुरुष, ये सर पुरुष, ये इतना डर, इसके फिर तीन शाखा होगी, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डर, सर पुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योत निरंजन काल, सर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, सर पुरुष भी इसी का काल ब्रह्म भी, ये तो डर है, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पाते रूप संसार, ये अमृतवाणी परमात्मा की। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो आपने देखा कि पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है, आइए अब आपको दिखाते हैं कि वेदों के अनुसार भगवान कौन है। ये यजुर्वेद ये महर्षि दान सरस्वती जी द्वारा अनुवादित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली, ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो अध्याय नंबर 5 का और श्लोक नंबर 32 मंत्र नंबर 32, पंचमा अध्याय और ज्ञान देख 32वां मंत्र है ये, इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है मूल संस्कृत,
कबीर अंगारी असी, कबीर हम इसको कबीर बोलते हैं अपनी भाषा में, कबीर हम कबीर कहने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी अवेसुर असी, ये बम्भारी बम्भारी। और यहाँ देखो हायु हवे सुदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन दो तीन शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानस जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर जिस कारण आप, उसी के माने कांतिमान असी माने हैं। चलो यहाँ देखो ये लिखा कबीर अंगारी असी, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि का दो अपसर्ग लगा दी तो यहाँ कांत प्रजय बना दिया, कवि माने कांत प्रजय है। अपुनात्मा देखो अब ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का, इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा यजुहु, अब इसको हम यजुर्वेद बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है। ये देखो रचम ऋग्वेद रूप वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हूँ मन मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु, यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है, यजु यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे तो यजुर्वेद को प्राप्त हो, यजु यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ। तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद के बारे में है, तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 5वें अध्याय को, वो 36 का प्रथम अंतर था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रह हटा दिया, तो यहां हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु, अंग अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है अपराध, अंगहरी अंगारी अंग अरी अग माने पाप के अरी माने शत्रु, ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहां लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा हैं, यहां कबीर देव लिखना था। कबीर हम कबीर साहब कहें, कबीर हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम, तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे देखो और बम्भारी, ये देखो ना कबीर कबीर अंगारी असी बम्भारी असी बम्भारी अवसुर असी, इन्होंने बम्भारी का अर्थ है बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु बम्भ माने बंधन, तो अंग माने पाप अरि माने शत्रु, पाप के शत्रु पाप नाशक पाप विनाश करने वाले, बंधन के शत्रु बंधन काटने वाले बंधन का नाश करने वाले, हम उनको बंदी छोड़ के हैं जो बंध से छुड़ाने वाले, केवल भाषा का शब्दों का अर्थ है बाकी महिमा वही है प्रभु की। यहाँ देखो इन्होंने रित धामा ये लिखा है, रित धामा असी सवर ज्योति, तो यहाँ लिखा है इसने अनुवाद किया स्वामी दानंद ने रित धामा सत धाम। अब धाम कहो चाहे लोक कहो चाहे स्थान कहो, सत कहो अविनाशी कहो शाश्वत कहो, तो सत धाम कहो चाहे सतलोक कहो, वो परमात्मा सत धामा सत धाम वाला है, सतलोक वाला है, सतलोक युक्त है, असी माने है,
और स्वर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित, ये अनुवाद ठीक नहीं है। स्वर ज्योति स्वयं ज्योति, स्वर ज्योति स्वयं प्रकाशित, यहाँ देखो रित धामा असी स्वर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है यानी तेजो में श्रीयुक्त है, साकार है और वो सतलोक में रहता है। रित धामा, रित धाम माने सतधाम, सतधाम कहो सतलोक कहो शाश्वत स्थान कहो अविनाशी लोक कहो, वो वहाँ रहता है। अपने आत्मा परमात्मा पाप नाश करता है और वो है कौन, ये भी नाम बता दिया कबीर असी, वो कबीर देव है। अब ये उसको कवि बोलते हैं, कहते हैं ये कवि को तुम कबीर कैसे बना रहे हो, हम नहीं बना रहे, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिसको तुम कबीर देव कहते हो हम कबीर देव बोलने लगे, कबीर देव, और देव माने परमेश्वर। तो आपने देखा कि वेदों के अनुसार भगवान कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।